हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद का 19वां अध्याय, कैंटो 4 चैप्टर 19। विषय है राजा पृथ्वी, महाराज पृथ्वी के द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ। सो श्रीमद् भागवतम मैत्रेय ऋषि विदुर को जो धारावाहिक रूप से सुना रहे हैं किस प्रकार सृष्टि तत्व, मनु, उत्तानपाद, पृथ्वी महाराज, ध्रुव महाराज, सब जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, तो मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा है, विदुर जब महाराज पृथ्वी उस स्थान से चले गए, मीन्स जहाँ पे सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, जिस जगह का नाम है ब्रह्मावर्त, तो ब्रह्मावर्त स्थान में महाराज पृथ्वी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय दृढ़ व्रत ले लिया कि मैं 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करूँगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्वर्ग का राजा इंद्र बनना चाहे तो उसके लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। और अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता है, अश्व मीन्स घोड़ा, और घोड़ा को छोड़ दिया जाता है, और वो घोड़ा को जो भी राजा पकड़ेंगे तो ये राजा जो अश्वमेध यज्ञ करेंगे उनके साथ जाकर फाइटिंग करना पड़ेगा और उनको अपने चरणों में झुकाना पड़ेगा, मीन्स शरणागत। जब शरणागत हो जाएगा इस राजा के प्रति और उनका राज्य इनके अंडर में हो जाएगा, इस प्रकार पूरा पृथ्वी में वो घोड़ा विचरण करेगा और पूरे विश्व में विचरण करने के बाद जितने सारे राजा है सभी सरेंडर हो गए इनके प्रति, और सरेंडर होने के बाद एक अश्वमेध यज्ञ संपन्न होगा। तो इस प्रकार एक बार नहीं 100 बार करना पड़ेगा, उसके बाद स्वर्ग का राजा इंद्र का पद मिलता है। तो महाराज पृथ्वी इसी उद्देश्य से अपना अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, क्योंकि पृथ्वी का जीवन वो चाह रहे कि स्वर्ग का राजा इंद्र बनेंगे। तो जब इंद्र ने ये सब देखा कि महाराज पृथ्वी लोक के वासी ब्रह्मावर्त स्थान में यज्ञ कर रहे, तो इंद्र प्लान किया क्या करेंगे। तो जितने सारे देवी देवता वहाँ पे तो सभी उपस्थित थे, लेकिन इंद्र को सहन नहीं हो रहा, इंद्र को बहुत जलन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये संपन्न हो गया इसका परफॉर्म तो स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा, तब इंद्र कहाँ जाएगा, उसका तो पद छीन लिया जाएगा ना। इसीलिए इंद्र सहन नहीं कर पाए और उन्होंने बाजी मारने के लिए प्लान किया कि किस तरह इस यज्ञ को नष्ट किया जाए। तो यद्यपि उस यज्ञ में भगवान विष्णु, महेश्वर, शिव जी, ब्रह्मा आदि सभी अनुचर, गंधर्व, ऋषि, अप्सरा और भगवान विष्णु के साथ भगवान की सेवा में तत्पर होने वाले जितने सारे शुद्ध भक्त लाइक कपिल देव, नारद मुनि, दत्तात्रेय, सनत कुमार, चारु कुमार उस यज्ञ में उपस्थित सम्मिलित हुए थे। किंतु जिस समय महाराज पृथ्वी अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, ये तो एक बार, दो बार, तीन बार, इस प्रकार करके 99 बार, 99 बार उन्होंने यज्ञ किया। तो अंतिम यज्ञ अगर पूरा हो जाता है 100 यज्ञ, तो स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तो इस स्वर्ग का राजा इंद्र सोचा कि अगर ये भी पूरा कर लेते हैं तब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा, बहुत ही कठिन, मैं इंद्र पद से हाथ धो बैठूंगा। तो इसीलिए क्या करना है, इंद्र क्या किया, महाराज पृथ्वी जब अंतिम यज्ञ कर रहे थे तो ईर्ष्यावश, ईर्ष्या करके उन्होंने वो एक संत का रूप धारण किया, एक सन्यासी का वेश धारण करके अदृश्य होकर यज्ञ का जो घोड़ा है, क्योंकि जो घोड़ा है घोड़ा पूरा विश्व घूमेगा, उसके बाद विश्व विजय करके अश्वमेध यज्ञ संपन्न होगा, लेकिन जो घोड़ा था वो घोड़ा को इंद्र साधु का वेश बनाकर चोरी कर लिया और आकाश मार्ग से होकर वो ले जा रहे थे। तो जैसे वो ले जा रहे तब अत्रि मुनि ये सब घटना को देखा,
कि ये कोई संत नहीं, ये इंद्र है जो कपट वेश धारण करके ले जा रहे घोड़े को। तो अत्रि मुनि तुरंत पृथु के पुत्र, पृथु यज्ञ कर रहे तो उनका जो पुत्र है पृथु का पुत्र को इन्फॉर्मेशन दिया कि आपको पता है आप लोग जिस यज्ञ को करने के लिए तुले हुए हैं लेकिन इस यज्ञ का जो मूल आत्मा है घोड़ा उसी को तो इंद्र भगा के ले जा रहे, वो देखो। तब पृथु का पुत्र क्या किया, धनुष बाण लेकर इंद्र के पीछे जा रहे हैं। तो जैसे इंद्र का पीछा कर रहे थे इंद्र ने देखा कि अगर मैं इस तरह कंटिन्यू आगे बढ़ते जाऊं तो वो कभी मुझे निशाना बनाएंगे, मुझे मार देगा। तो इंद्र क्या किया, अदृश्य हो गया वहां पर, वहां से अंतर्ध्यान हो गया और घोड़ा वहीं पर छोड़ दिया। तब क्या किया पृथु का पुत्र, उस घोड़ा को लेकर यज्ञ स्थली में आए और यज्ञ स्थली में आने के बाद पुनः चालू हो गया यज्ञ। तो इंद्र अभी दूसरा प्लान कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे, ये तो एक बार। तो जितने सारे वहां पे ऋषि मुनि थे यज्ञ स्थली में वो सब शाबाशी देने लगा, जय हो बहुत अच्छा, वेरी नाइस। कि ऋषियों ने पृथु के पुत्र का जो पराक्रम देखा सभी प्रभावित हो गया, वाह इसे कहते वीर, जो किस प्रकार अपने लक्ष्य को या इंद्र स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर ये घोड़ा को वापस ले आया। तो इस तरह करके बहुत अच्छा उनको शाबाशी दिया। तो इधर इंद्र क्या किया, इंद्र भी तो पृथु के पुत्र के भय से भाग तो नहीं जाएगा ना, वो दूसरा प्लान किया। क्या प्लान, उन्होंने घनघोर अंधेरा का निर्माण किया, मतलब छा गया यज्ञ स्थल में, पूरा घनघोर अंधेरा छा गया और जब सभी अंधकार हो गया कोई किसी को देख नहीं पा रहे तो इंद्र उसी समय घोड़ा को ले गया, घोड़ा को चोरी करके फिर से आकाश मार्ग की ओर ले जा रहे थे। तो अत्रि मुनि फिर देखा, फिर अत्रि मुनि ने पृथु के पुत्र को बोला अब जाओ। तो फिर पृथु के पुत्र गए घोड़ा को लेकर आए, फिर तीसरा बार यज्ञ प्रारंभ किया, तीसरा बार जब फिर वैसा ही हाल, इंद्र घोड़ा को चोरी कर, तो बारंबार इंद्र घोड़ा को चोरी कर रहा है क्योंकि सब कुछ संपन्न है, घी है, आहुति है, यज्ञ है, पुरोहित है, ब्राह्मण, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है। लेकिन जो असमय यज्ञ कर तो असमय घोड़ा तो उसको तो बलि देंगे ना, तो अगर वही नहीं रहेगा तो यज्ञ संपन्न कैसे होगा। तो घोड़ा को बारंबार चोरी कर रहे इंद्र, तो पृथु महाराज अभी बहुत गुस्से में आ गए। तो बहुत गुस्से में आकर वो अपना धनुष बाण लेकर इंद्र का पीछा किया और इंद्र को ऐसे पीछा किया कि अभी उनको मार देंगे, क्योंकि वो उन्होंने सोचा बारंबार भक्ति में बाधा डाल रहे हैं तो इसको खत्म करना ही बेहतर है। तब ये स्थिति ब्रह्मा देख रहे थे कि पृथु अगर क्रोधित हो गया तो पूरे संसार को लोट पलट करने की क्षमता है क्योंकि भगवान का अवतार है साक्षात। तो ब्रह्मा ने आकर पृथु को समझाया, देखिए महाराज पृथु, तुम और स्वर्ग के राजा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश स्वरूप है, अतः आप दोनों को या आपको इंद्र के प्रति क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। यद्यपि वो ऐसा कर रहा है किसी कारणवश, लेकिन आपको उनके प्रति ईर्ष्या, उनको मारने का ऐसा भाव नहीं लेना चाहिए। तो इंद्र घोड़ा लेके भाग रहा है और ब्रह्मा उनको समझा रहे हैं, पृथु को समझा रहे हैं। तो इतना समझाया, इतना ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, सब तरह का ज्ञान भर दिया। तो ब्रह्मा के समझाने पर महाराज पृथु यज्ञ करने की जो उत्सुकता थी वो त्याग दी, क्योंकि वो सोचा, वो समझा कि मैं ये जो कर रहा हूँ यज्ञ कर रहा हूँ, तो यज्ञ करने का अर्थ क्या है कि मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा, वहाँ पे जाके सोमरस का पान करूँगा, अप्सराओं के साथ भोग करूँगा, इस तरह का की इंजॉयमेंट। लेकिन ये तो मेटेरियल है, छीने पुण्य मर्तल को विसंत, फिर से एक बार इस जगत में आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये भगवान की कुछ प्लान है, कुछ इच्छा है। मैं चाहता हूँ बारंबार चेष्टा करो लेकिन किसी न किसी कारण बस वो बिगड़ रहा है, तो इसीलिए ये भगवान की इच्छा है।
तो जब ब्रह्मा ने उसको इस तरह समझाया सब तरह से, तो उन्होंने यज्ञ करने की उत्सुकता को त्याग दिया और उपस्थित जितने सारे ऋषि पुरोहित आदि वर्ग को सबको प्रणाम किए। और पृथ्वी महाराज अंत में यही सोचा कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ 99 यज्ञ सक्सेस हुआ, लेकिन अंत में ये यज्ञ सक्सेस नहीं हो रहा, मतलब इसको करने से मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा और स्वर्ग का राजा बन के वहाँ पे सुख समृद्धि से मैं पूर्ण रूप से लिप्त हो जाऊंगा। तो जिसके कारण हो सकता है भगवान करुणा करके मुझे अपना शुद्ध भक्त बनाना चाह रहे, जबकि मैं शुद्ध भक्त बनना नहीं चाहता, यज्ञ करके स्वर्ग जाऊंगा और स्वर्ग का राजा इंद्र शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त गोलोक वृंदावन में वास करता, वैकुंठ में वास करता है। ये स्वर्गलोक जनलोक तपलोक यहाँ पे वास नहीं करता, शुद्ध भक्त भगवत धाम में वास करता है। तो इसलिए बेहतर है कि ये भगवान नहीं चाहते तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ। तो इंद्र को शासन नहीं किया, इंद्र को पनिशमेंट नहीं दिया, दंड नहीं दिया, क्योंकि समझ गया भगवान की इच्छा है। तो इस प्रकार महाराज पृथ्वी जो 180 यज्ञ करने का जो प्लान किया था वो 99 यज्ञ किया, लेकिन एक यज्ञ करना बाकी रह गया। तो इसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में भी कभी कभी देखते हैं कुछ कुछ चीज़ हम लोग जी जान से आत्मा हृदय सब कुछ लगा देते हैं उस चीज़ को करने में, लेकिन अंत में मिलता है असफलता। तो ये जो असफलता मिलती है और उसके बाद पता चलता है अंत में कि उस असफलता के पीछे भी कारण था भगवान की इच्छा, क्योंकि भगवद गीता में 5 कारण बताए गए हैं किसी चीज़ को करने के लिए, कर्ता कर्म विषय और इस तरह 5, उनमें से अंत में 5वां कारण है वो है परमात्मा की इच्छा, मीन्स भगवान की इच्छा। तो अगर भगवान की इच्छा अगर न हो तो हमारा कितना ही परफेक्शन 100% करके रहेंगे फिर भी कार्य सक्सेस नहीं होगा, सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का रिकमेंडेशन नहीं है। रावण ने कितना कुछ प्लान किया, हिरण्यकश्यप को कितना कुछ प्लान किया प्रहलाद को मारने के लिए, कौरव शकुनी दुर्योधन कितना कुछ प्लान किया पांडवों को मारने के लिए, लेकिन परमात्मा की इच्छा नहीं है पांडवों का मृत्यु हो, इसीलिए वो लोग कितना कुछ होने के बावजूद भी वो लोग सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस वही हुआ जो भगवान का भक्त है। तो इसीलिए हम लोग को हर दृष्टिकोण से पॉजिटिव नेगेटिव में सर्वदा ये सोचना चाहिए भगवान श्री कृष्ण है सर्वमंगलमय, और जो भी उनके आश्रय में या उनके आश्रय में नहीं भी है लेकिन फिर भी भगवान सबका मंगल करता है। जो भगवान कृष्ण को नहीं जानते, भगवान श्री कृष्ण ईश्वर सर्वभूतानाम कि भोक्तारम यज्ञ तपसांग सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान श्री कृष्ण सबके शुभचिंतक है चाहे कोई उनको जाने या न जाने। तो ये भगवान की महत्ता। तो इसी प्रकार महाराज पृथ्वी ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लिया और अपना जो यज्ञ करने की जो इच्छा थी वो त्याग दी। इसीलिए हम लोग को भी हमारे जीवन में भी जब ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आएंगे तो हम लोगों को सर्वदा पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक ढंग से सोचना है कि हम इस चीज़ को बारंबार करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी क्यों नहीं होता, मतलब हो सकता है ज़रूर इसमें भगवान की इच्छा। तो खैर सर्व परिस्थिति में सब अवस्थाओं में हम लोगों को कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमारे जीवन को अपने जीवन को कृष्ण के चरणों में डेडिकेट करना है। इसी के माध्यम से हमारा जीवन सक्सेस, हमारे जीवन की सफलता है, क्योंकि हमारे जीवन की वास्तविक सफलता भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है और हर दृष्टिकोण से उनकी पूजा करना है। बस तो आज का विषय यही था, पृथ्वी महाराज के माध्यम से हम लोग यही सीखे कि भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत का जो ये कितना ध्यानपूर्वक सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस प्रकार भागवत की कथा को श्रवण करते रहिए और अपने जीवन को सार्थक। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।